हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है मिशन गणित कक्षा 10 का चल रहा है कार्य पत्रिका है, आपकी भेजी जा रही है डीओई की तरफ से। और आज की डेट है 14/7/2023 और आज हम लोग इस में सीखने वाले हैं बहुपदों के शून्यांक मध्य पद का विभाजन, यानी बहुपदों के शून्यांक कैसे निकाल सकते हो मध्य पद के विभाजन से। तो आप देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है मानक रूप होता है किसी भी बहुपद का। और इसमें सबसे पहले हम क्या है, देखो ऐसी जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले सबसे पहले ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 5 की जगह माइनस का 5 था, इसलिए यहाँ माइनस का 30 आया। अब आप इसके बाद क्या करोगे, इनके क्या है इन गुणन फल, इन जो दोनों गुणन फल आए हैं इनके क्या करो, गुणन खंड निकाल लो, गुणन खंड निकालो। और जो गुणन खंड है उसमें जोड़ घटाओ करके जो है मध्य का जो है पद बी जो है इसे बना दो, ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे 30 का गुणन खंड क्या हो जाएगा, 130 हो सकता है, 215 हो सकता है, 310 हो सकता है, 56 हो सकता है। बी 13 है हमारा, इसलिए आपस में देखो क्या कर सकते हैं, 15 - 2 कर दें तो हमारा 13 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ देखो 6x² 13x - 5 में क्या करा गया है, 15 - 2 लिखा गया है, यानी 15 + 15x + - 2x लिख दिया है, जिससे क्या है हमारा आंसर आ जाए 13x। अब देखो यहाँ पर इनके क्या बना लिए हमने, पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद देखो पहले वाले पेयर से हमें क्या है 3x कॉमन मिल रहा है, जिसके बाद 2x + 5 अंदर बच रहा है। देखो 2x + 5 कैसे बचा भाई, यहाँ पे देखो कि 3 की टेबल में जो है 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। -1 यहाँ से देखो कॉमन मिल रहा है। अब ये दोनों ब्रैकेट आपको क्या देख रहे होंगे, यहाँ दोनों ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे होंगे। अब यही क्या करोगे, अब ये जो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं ना, एक एक ब्रैकेट को अब 0 के बराबर रखो। जैसे 2x + 5 = 0 रखा, 5 उधर गया माइनस में हो गया, x = -5/2 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे 3x - 1 रखा गया 0 के बराबर, x बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया। आप देखोगे अगर आप कहते कि अगर यहाँ पर क्या होता प्लस का साइन होता तब क्या करते, तब कुछ ना करते, तब यही फैक्टर जो होते आपके 3 और 10 इनको आपस में प्लस करके 13 बना देते। और फिर इसके बाद क्या कर लेते, यहाँ से देखो फैक्टर निकालते, और फैक्टर निकालने के बाद इनको 0 के बराबर रख के निकाल लेते x की वैल्यू। अच्छा ऐसा ही एक प्रश्न आपको दिया गया है कि हल कीजिए। अब इसमें आप करोगे क्या, जैसे 2 और 6 इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है 12। और फैक्टर आप देखोगे अगर इनके गुणनखंड देखोगे, क्या देखोगे भाई इनके गुणनखंड देखोगे, तो गुणनखंड जो है आपके इनके क्या हो जाएंगे, इनके गुणनखंड पहला होगा 1 और 12, दूसरा गुणनखंड जो इसमें से निकल कर आएगा 2 और 6, तीसरा जो निकल कर आएगा 3 और 4। अब आप देखोगे 6 और 2 को आपस में जोड़ने पर जो है 8 आ रहा है, तो 2x² - 2x - 6x - 6x + 6। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, x माइनस जो है 1 बच रहा है, यहाँ से क्या कर लो भाई, ठीक है यहाँ से माइनस का 6 कॉमन ले लो, माइनस का 6 जैसे ही कॉमन लोगे आपका क्या हो जाएगा 1x - 1 बचेगा, ठीक क्या बचेगा, x - 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका बच्चा है 2x - 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 बचा है। x - 1 को जब 0 के बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, x = 1 आ जाएगा। और 2x - 6 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x = भाई देखो -6/ ये प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, काटेंगे 3 हो जाएगा, यानी x = कितना आ गया, 3 आ गया। अगर आपको देखो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।